शाहिद अफरीदी ने और मिसबाह उल हक ने मैच के एंड में मैच जितवाया, और जिस अंदाज से उन्होंने मैच वो जितवाया वो वाकई ऐसा लग रहा था कि जब अपने प्राइम में इस तरह के छक्के और चौके मार के मैच जितवाया करते थे, जब एंड पे 9 बॉलों पे 8 रन रह जाते हैं या 6 बॉलों में 12 रन रह जाते हैं, वो वाली सिचुएशन बन गई हुई थी। और इन्होंने जब मैच जितवाया तो आए हाय हाय, मैं आपको क्या बताऊँ, खूबसूरत मनाजिर, खूबसूरत मनाजिर। और जिस तरह सईद अजमल ने बोल्ड किया, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को बोल्ड किया, ब्रेट ली खेल रहे थे उनकी तरफ से और बड़े बड़े उनके नाम थे और जो ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से खेल रहे थे, बल्कि कल रात को पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज की जो चैंपियनशिप टीम है उनके साथ दूसरा मैच खेला अपना और वो भी जीता। और जिस तरह वहां पे उन्होंने स्कोर किया, 195 रन्स उन्होंने टारगेट बना के दिया। शोएब मलिक इतना शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, यूनुस खान खेल रहे हैं, सईद अजमल खेल रहे हैं, मिसबाह उल हक खेल रहे हैं, शाहिद अफरीदी, बूम बूम अफरीदी खेल रहे हैं, और जिस तरह वो बॉलिंग करा रहे हैं, विकेटें ले रहे हैं, और जिस तरह वो छक्के मार रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर आज भी उनको वही टीम उठा के T20 वर्ल्ड कप में ले जाएं तो वो शायद वर्ल्ड कप जीत के आ जाए। जिस तरह वो उनकी बॉडी में जो मतलब कि एक्टिव है वो लोग, और जिस तरह वो बॉलिंग करा रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, इन्जॉय कर रहे हैं बेसिकली वो। बल्कि सईद अजमल साहब का मैसेज भी आया, बल्कि मेरे तो उनसे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात भी हैं, तो उनका एक वीडियो मैसेज मैं आज देख रहा था, तो उसमें कह रहे थे कि हम तो यहाँ इन्जॉय करने आए हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी स्पोर्ट्स क्रिकेट के मेम्बर्स हैं एक तरफ से फिर जवानी की लहर हमारे अंदर आ गई है। तो वो ये बातें सुन के ना मैं भी थोड़ा जज्बाती हो गया थोड़ा सा, और बड़ी खुशी की बात है, बड़ा मज़ा आ रहा है उनका ये चैंपियनशिप देख के। अल्लाह करे ये चैंपियनशिप पाकिस्तान जीत के वापस पाकिस्तान में हमारे जितने भी फॉर्मर प्लेयर जो साबिक खिलाड़ी हैं जो रिटायर हो चुके हुए हैं वो ये चैंपियनशिप जीत के पाकिस्तान वापस आएँ। मेरी इनके लिए स्पेशल दुआएँ हैं, और जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, हमारा जिस तरह इन्होंने हमारा बचपन क्रिकेट का इन्होंने जो रंगीन किया है वो दोबारा एक दफ़ा रंग ले आया है। और एक मिनट के लिए बाबर, रिजवान और शाहीन की परफॉर्मेंसेस को भूल के मैं इनकी परफॉर्मेंसेस से फोकस हो गया हूँ, और बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग भी देखें, टीवी पे लाइव टेलीकास्ट भी हो रहा है, अगर आप टेलीकास्ट नहीं देख सकते तो आप यूट्यूब पे इनकी हाईलाइट्स देख सकते हैं। ज़रूर पाकिस्तान चैम्पियंस आप देखेंगे यूट्यूब पे तो आपके सामने तमाम हाईलाइट्स आ जाएंगी। और इन्होंने पाकिस्तान अभी दो मैच खेल चुका है, पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला, दूसरा मैच वेस्टइंडीज़ के खिलाफ खेला, और दोनों मैचेस जीता है, और बहुत मज़ेदार मैचेस हुए। आप इनकी हाईलाइट देखें और एंजॉय करें, और आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू।